हेलो दोस्तों, इस वीडियो दे विच असी अभ्यास 6.4 वर्गमूल दे आधारित क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करांगे, जिस दे विच सानू पुछया गया है कि 3250 दे विचों केड़ी छोटी तो छोटी संख्या असी घटाइए तां जो यह पूर्ण वर्ग बन जावे। इहदे विचों असी कोई स्मॉलेस्ट नंबर सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर। सो जदों कदे भी तुहानूं क्वेश्चन घटाउण दा, घटाओ दा, सबट्रैक्ट दा जां जोड़न दा आवे तां तुसीं हमेशा लंबी वंड विधि की वरतों करनी है, लोंग डिवीजन, लंबी वंड। सो समझ लो कि यह लोंग डिवीजन का क्वेश्चन है। जदों कदे भी तुहानूं कोई नंबर घटाउण दे लई जां जोड़न दे लई आउंदा है कि इसनूं पूर्ण वर्ग बनाना है तां तुसीं लंबी वंड विधि की वरतों करनी है। सो लंबी वंड विधि वरतण दे लई असीं की करदे हां, साडा सब तो पहला स्टैप की है कि असीं जोड़े बनाने हैं, दो दो दे ते पेयरिंग करते हैं। सो जीरो ते पंज दा पेयर हो गया, एक दो ते तीन दा पेयर हो गया, जुड़ा बन गया साडा। सो नैक्सट स्टैप दे विच असीं 32 तो छोटा जो पहला पेयर है साडा, इस तो छोटा वर्ग भाव पंज दा वर्ग, पांजो पांजी 25, इस तो इमीडिएट छोटा वर्ग लैने हां। चार चौके 16 भी छोटा है, बट पांजों पांजी 25 जो है बिल्कुल नेड़े है इस तो छोटा है। सो पांजों पांजी 25 लवेंगे असी, पांज का वर्ग लवेंगे तो इतने असी की कर दें, घटा दें। सो 32 दे विच्चों 25 घटावे तो इतने कैरी कर दें, 12 दे विच्चों 5 गए 7, 2 दे विच्चों 2 गए 0। नैक्सट स्टेप दे विच असी जो पूरा पेयर है 50, असी पूरे पेयर नू नीचे उतारते हैं। सो ये साडा की हो गया 750। नैक्सट स्टैप साढ़े पास की होंगे है कि जो साढ़े पास वैल्यू है इसका असं इतने की करते हैं, डबल लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 × 2 इज 10। सो इतों असी 750 बनाना है। सो अराउंड 700 है तो असी पहला 10 है, जेकर मैं इसनों 7 से ही डिवाइड करते हैं तो मैं इस 10 के नाल की लगाना पड़ेगा 7, तो 7 के नाल की करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, साढ़ा यही मैथड है। सो 7 × 7 इज 49, 7 × 1 इज 7। सो 7 से जेकर मैं इसको डिवाइड करता है, इतने 7 लिख दें, इतने 7 तो इमीडिएट छोटी वैल्यू आ रही है 749। सो 7 से भेजता है इसमें, सो असी इसको सबट्रैक्ट कर लें। सो 750 749 750 के 749 घटावे तो की बचेगा साढ़े पास 1, ये साडा की आ गया है बाकी। जेकर 3250 एक पूर्ण वर्ग हुंदा तां साढ़े पास बाकी की बचना चाहिए सी 0। जो असी पहले क्वेश्चन किए ने उन्होंने सानू पूर्ण वर्ग का वर्गमूल पता करन दे लई कहा गया सी, ते लंबी वंड विधि लगाने तो बाद इत्थे बाकी की बचा सी साढ़े पास 0 बचा सी। सो साढ़े पास इस बार किन्ना बाकी बच गया है 1, ये नहीं बचना चाहिए। सो असी इस रिमूव कर दें, रिमूव करन तो भाव की है कि असी 3205 दे विच्चों 1 नू हटा दें। सो जदों असी 3250 दे विच्चों 1 हटा दईए तो साढ़े पास की आता है 3249, भाव 3249 पूर्ण वर्ग है। तो 3249 का जेकर मैं वर्गमूल पता करना हो तो की होएगा, 3249 का वर्गमूल की होएगा साढ़े पास 57, 57। सो सब तो छोटी संख्या 1 है, जिसनों के 3250 दे विच्चों घटाउण तो बाद सानू 3249 प्राप्त हुंदा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्केयर है, ते इसका जो वर्गमूल है वह की है 57 है, 57 है। सो इस तरह के कुछ भाग तुहाडी बुक दे विच होर भी गिवन ने तुहानू, तां तुसीं उहनां दे विच लंबी वंड विधि की वरतों करनी है, ते जो भी तुहाडे पास बाकी बचेगा उसनू असीं उस दित्ती हुई वैल्यू दे विच्चों, नंबर दे विच्चों, संख्या दे विच्चों
ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 3249 ਦਾ ਜੋ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 57। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।